हेलो फ्रेंड्स, इट्स मी योगेश एंड वेलकम टू योर इंग्लिश एकेडमी चैनल। गाइस, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर में मैं आप सभी के साथ 21 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस शेयर करने वाला हूं। मैंने डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस की एक लिस्ट कंबाइन की है जो आप सभी की स्पोकन इंग्लिश को और भी ज़्यादा इम्प्रूव कर देगी, आप सभी की स्पोकन इंग्लिश में चार चांद लगा देगी। आइए बिना किसी देर के शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। सबसे पहला सेंटेंस है, वह सुबह से सो रहा है। इस तरह का सेंटेंस आपको कई बार बोलने की ज़रूरत पड़ती है। इस सेंटेंस को आप बोलते हैं ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस, इंग्लिश बोलना बहुत मुश्किल नहीं है, विच मीन्स इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट टू स्पीक इंग्लिश। नेक्स्ट सेंटेंस, यह सब आपकी मेहनत और लगन पर निर्भर करता है। इस तरह से आप कहते हैं ना, यह सब आपकी मेहनत और लगन पर निर्भर करता है। इस सेंटेंस को आप बोलते हैं इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। नेक्स्ट, मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं आई एम एट योर सर्विस, आई एम एट योर सर्विस। नेक्स्ट सेंटेंस, अपनी औकात में रहो। देखिए, इस तरह का सेंटेंस अक्सर हम गुस्से के सेंस में बोलते हैं अपने किसी दोस्त को या फिर किसी नेक्स्ट पर्सन को। अपनी औकात में रहो, इस सेंटेंस को आप बनाते हैं बी इन योर लिमिट, बी इन योर लिमिट। तो कौन टाल सकता है? इस सेंटेंस को आप बनाते हैं हु कैन चेंज द डेस्टिनी, हु कैन चेंज द डेस्टिनी। और यू कैन मेक सच काइंड ऑफ सेंटेंस वाटर अंडर द ब्रिज, वाटर अंडर द ब्रिज। देखिए, वाटर अंडर द ब्रिज ये एक idiom है जिसका मतलब है होनी को कौन टाल सकता है, होनी यानी कि किस्मत को कौन बदल सकता है, ये इस सेंटेंस का सेंस है। अगला सेंटेंस देखिए, तुम्हारे पिता क्या काम करते हैं या फिर तुम्हारी माता क्या काम करती हैं। इस तरह का कई बार हम सेंटेंस पूछते हैं सामने वाले इंसान से। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं व्हाट डज योर फादर डू, व्हाट डज योर फादर डू। अब यहाँ पर देखिए, अगर आपको फादर की जगह पर मदर के बारे में पूछना है तो आप मदर को रख देंगे। आप बनाते हैं व्हाट डज योर मदर डू, यानी कि आपकी मदर क्या करती हैं। अगला सेंटेंस देखिए, तुम स्कूल से कब आए। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं व्हेन डिड यू कम बैक फ्रॉम स्कूल, व्हेन डिड यू कम बैक फ्रॉम स्कूल। नेक्स्ट, तुम स्कूल कैसे जाते हो, हाउ डू यू गो टू स्कूल, हाउ डू यू गो टू स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या तुम स्कूल नहीं जाओगे, विच मीन्स विल यू नॉट गो टू स्कूल, विल यू नॉट गो टू स्कूल। इसी तरह से अगला सेंटेंस देखिए, आप मुझे नहीं करने देते जो मैं चाहता हूँ। क्या इसका मतलब है, यानी कि जो मैं करना चाहता हूँ वो आप मुझे नहीं करने देते, ये इसका मतलब है। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं यू डोंट लेट मी डू वट आई वॉन्ट, यू डोंट लेट मी डू वट आई वॉन्ट, यानी कि जो मैं करना चाहता हूँ आप मुझे वो नहीं करने देते, ये इस सेंटेंस का सेंस है। अगला सेंटेंस देखिए, मैं आपको कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। इस सेंटेंस को आप बोलते हैं आई विल नेवर लेट यू गो अवे फ्रॉम मी, आई विल नेवर लेट यू गो अवे फ्रॉम मी। नेक्स्ट, क्या आप कृपया मुझे अंदर आने देंगे, वुड यू प्लीज लेट मी कम इन, वुड यू प्लीज लेट मी कम इन। नेक्स्ट, बाइक में तेल खत्म हो रहा है। देखिए कितना कॉमन और इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, बाइक में तेल खत्म हो रहा है। अक्सर इस तरह की सिचुएशन हमारे सामने आ जाती है और हमें इस तरह का सेंटेंस बोलने की जरूरत पड़ती है। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं द बाइक इज रनिंग लो ऑन फ्यूल, द बाइक इज रनिंग लो ऑन फ्यूल, यानी कि बाइक में तेल खत्म हो रहा है। अगला सेंटेंस है एक बात याद रखना। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं रिमेंबर वन थिंग, और यू कैन से बेयर इन माइंड वन थिंग, बेयर इन माइंड वन थिंग, विच मीन्स एक बात याद रखना। अगला सेंटेंस, वह रातों रात अमीर हो गया। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं ही बिकेम रिच ओवर नाइट, ही बिकेम रिच ओवर नाइट। नेक्स्ट, मोबाइल चार्ज में लगा दो। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं पुट द मोबाइल ऑन चार्ज, पुट द मोबाइल ऑन चार्ज। अगला सेंटेंस देखिए, और बताओ सब बढ़िया। देखिए इस तरह का सेंटेंस हम कब कहते हैं, जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं ना, तो हम इस तरह का सेंटेंस कहते हैं और बताओ सब बढ़िया। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं टेल मी मोर, इज एवरीथिंग फाइन, टेल मी मोर, इज एवरीथिंग फाइन। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम बस अपना काम करते जाओ। इस सेंटेंस को आप कहते हैं यू जस्ट कीप डूइंग योर वर्क, यू जस्ट कीप डूइंग योर वर्क। नेक्स्ट, ऐसा कैसे, कई बार कोई बात हमें पसंद नहीं आती
तो हम इस तरह का सेंटेंस कहते हैं, ऐसा कैसे, या फिर चौंकते हुए, जिस बारे में हमें पता नहीं होता, कोई नई बात सुनने पर हम इस तरह का सेंटेंस कहते हैं, ऐसा कैसे। इस सेंटेंस को आप बोलते हैं हाउ सो, हाउ सो। नेक्स्ट, मैं दौलत का भूखा नहीं हूँ, यानी कि मैं पैसों का भूखा नहीं हूँ, ये इसका मतलब है। इस सेंटेंस को आप बनाते हैं आई एम नॉट आफ्टर मनी, आई एम नॉट आफ्टर मनी। सो गाइस, दिस ब्रिंग्स मी टू द एंड ऑफ दिस लेसन। होप दीज सेंटेंसेस आर हेल्पफुल फॉर यू एंड हेल्प्स यू साउंड मोर कॉन्फिडेंट एंड इम्प्रेसिव। आई विल कैच यू इन माई नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टिल देन यू टेक केयर एंड गुड बाय।